तो हम लोग आज शिमला में हैं और शिमला में हम आपको बताएंगे, पूरा जानकारी देंगे किस तरीके से होटल बुक कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आ गए तो, या ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लोगों के मन में डाउट रहता है कि किस तरीके से हम बुक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी हमें वो बिरिन होटल में है, आप लोग देख सकते हैं रोड चल रहा है और ये रोड जो भी चलते हैं लगातार चलते रहते हैं, और चूँकि टूरिज्म का प्लेस है तो वो पहाड़ी एरिया है, तो मोस्टली जो गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पर वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश की चलती हैं, टैक्सी गाड़ी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे भी, तो खाने पीने की मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। और क्योंकि पहाड़ी एरिया है, आप देख सकते हैं कि बस भी आ रही हैं, बाइक भी निकल रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अब मैं बता देता हूँ, आइए आप थोड़ा सा दिखा देता हूँ लुक भी। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है क्योंकि नाइट हो गई, 8:30 बजे हुए हैं मतलब रात के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो लाइटें दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, ये सारी लाइटें हुए मकान बने हुए हैं नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ाइयों पर, क्योंकि लगभग शिमला का जो समतल से ऊंचाई है लगभग 8000 वर्ग फीट ऊंचाई है, तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई रहती है, तो पहाड़ों पर सर्दी भी रहती है। अक्टूबर का महीना चल रहा है ये, उसके बाद में दिसंबर में बर्फबारी भी होती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट भी है इन लोगों का, तो बुलिन का नाम है होटल है, और नीचे कई सारी फ्लोर हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से भी व्यू करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचा दिखाई देगा आप लोगों को। और अभी हम इनके जो ऑनर होंगे वो भी हैं, लुक भी आप देख सकते हैं इतना शानदार लुक आ रहा है, और सामने ही रोड है तो रोड भी निकल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब पूरा का पूरा चलते नीचे बताएंगे आपको, इनके जो मैनेजर हैं उनसे बात कराते हैं, और जो डिनर और ब्रेकफास्ट जो लुक देते हैं वो भी आप लोगों को पूरी डिस्कशन कर देंगे। ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का, और ये सारी चीज़ें हैं। अब मेन चीज़ है कई सारी फ्लोर है नीचे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब आपकी इनकी ऑफिस में ले चलते हैं, कुछ कर लो। तो अब हम पहुँच रहे हैं ऑफिस में, ऑफिस में पूरी जानकारी आप लोगों को दिलवाएंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके का यहाँ डिनर होगा आपका, लौटते वक्त दिखाएंगे हम आपको, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे रिसेप्शन सर हैं, जानकारी आप लोगों को देंगे इस वीडियो में, सारी की सारी डिटेल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा देंगे। सर के पास पहुंच गए हैं रिसेप्शन पर, और शिमला में इस टाइम मौजूद हैं बुलिन में, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। तो अब सर बताएंगे कि सर जैसे होटल बुक करना है यहाँ शिमला में आने कोई व्यक्ति, तो कितने प्राइस तक का बुक हो जाता है? प्राइस आपको देखिए 2000 कॉस्ट कर जाएगा रूम इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर MAP प्लान में, प्लान में 2000 हो जाएगा। और डिनर ब्रेकफास्ट मैंने खुद किया है तो बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा डिनर और ब्रेकफास्ट। और जैसे कोई कस्टमर मान लीजिए कि उसका रूम बुक है, तो मोस्टली चेक इन होता है 12 बजे या 11 बजे, 11 o'clock और वो 9 o'clock आ गया 2 घंटे पहले, तो उसके लिए बैठने की अरेंजमेंट आप लोगों का रहता है? बैठने का हमारे पास रहता है, बट हमारे पास कस्टमर मॉर्निंग आ जाए, अर्ली मॉर्निंग आ जाए, तो हमारे पास रूम अवेलेबल हो, हम गेस्ट को कभी मतलब कोई दिक्कत नहीं आने देते हैं, गेस्ट को हम रूम प्रोवाइड करवा देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। बैठने के लिए भी है हमारे पास लॉबी एंड रूम भी करवा देते हैं हम, वैसे करवा देते हैं। तो सर जैसे कि अभी नॉर्मल सर्दी है और जब बर्फबारी होती है तो उस टाइम में इस टाइम के रेटों में क्या अंतर रहता है, कुछ अंतर सर? थोड़े प्राइस सीजन चलता है तब तो प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, बर्फबारी होती है सर, बहुत स्नोफॉल होता है। चलो तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ होगी तो इनबॉक्स में कमेंट बॉक्स में करके बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी होटल की जो सर्विस है बहुत अच्छी लगी मुझे, और खाना ब्रेकफास्ट दोनों बहुत बढ़िया है, और मतलब कि आपको यहाँ पर 2 से 1500 आपको रूम अच्छे से मिल जाएगा यहाँ पर। और जो पीछे का व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, और फ्रंट पर मेन रोड पर, यह तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मनाली से थोड़ा सा हल्का बाहर है लेकिन बहुत अच्छा रहेगा शिमला के, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो कोई भी क्वारी है तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए, मिलते हैं।
धन्यवाद सर आपका, आपने जानकारी दी। थैंक यू।